बारिश में कोलियस आपके ख़राब हो रहे हैं तो कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपका जो कोलियस का प्लांट है वो भी अच्छे से गार्डन में आपके बना रहेगा और आपका गार्डन जो है कलरफुल बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कोलियस प्लांट की केयर इस बारिश के सीज़न में कैसे करें। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके की वीडियो जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, कोलियस एक ऐसा प्लांट होता है जिनकी पत्तियां कलरफुल होती हैं। कभी कभी उसमें दो तीन कलर नज़र आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें पिंक कलर है और इसमें थोड़ा सा ब्राउन है और ग्रीन है। तीन चार कलर इस तरीके के रहते हैं पत्तों में, तो दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये फूलों का काम करते हैं। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं तो ये सारे जो पत्ते कलरफुल होते हैं ना, फूलों का काम करते हैं, तो आपको फूलों की कमी कभी नहीं होने देते हैं। अलग सा कलर आपके गार्डन में ये ऐड करते हैं। तो दोस्तों, कोलियस एक बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। अगर इनको ज़्यादा पानी मिल जाता है या पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमें किस तरीके की मिट्टी में हमारे कोलियस के प्लांट को लगाना चाहिए। मैं अगर बात करूँ दोस्तों इनकी मिट्टी के लिए, तो मिट्टी बिल्कुल इनकी पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी बना रहे तो उसमें आपको 50% सैंड सॉइल लेना है, 25% लेना है गार्डन सॉइल और 25% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों मिट्टी को मिला के आपको कोलियस के प्लांट को लगा देना है। आप चाहे कटिंग लगाएं या फिर आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तब। पॉट इनके दोस्तों हमेशा छोटा ही रखिएगा। मैं अपने घर पॉट की बात करूँ तो मेरा पॉट आप देख सकते हैं, मेरा प्लांटर जो है दोस्तों छः इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 इंच या फिर 7 इंच का इस तरीके से मैंने लिया हुआ है। या तो मैंने छोटे से भी कंटेनर में लगाया हुआ है जो कि 4 इंच का है। तो मतलब छोटे से छोटे कंटेनर में लगने वाला ये पौधा होता है, इनको ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं होती है। जितना छोटा प्लांटर होगा प्लांट आपको उतने अच्छे से कोलियस का चलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर कोलियस को बड़े गमले में लगा देंगे, पानी ज़्यादा देंगे, ओवर वाटरिंग की वजह से ना पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। रीजन ज़्यादा यही होता है प्लांट को, क्योंकि बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है, बड़े गमले में लगा हुआ है, फिर पानी भरा रहेगा, जल्दी से निकलता भी नहीं है, तो क्या होता है प्लांट आपके सड़ने करने लगते हैं। सबसे पहले आपके रूट ख़राब होंगे। अभी तो क्या हो रहा है दोस्तों कि ऊपर से प्लांट भी ख़राब हो रहे हैं। अगर जरा से भी कट या फंगस लग जाता है तो वहाँ से प्लांट हमारे ऊपर से ही स्टेम से ही ख़राब होने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर फंगस वगैरह लग रहा है तो उस स्टेम को कट कर दीजिए। अगर यहाँ से लग रहा है तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, ताकि आपका प्लांट बचा रहे। और अपना मिट्टी जो है उसको भी चेक करते रहें बार बार कि ज़्यादा सौगी तो गीली या मतलब दलदली टाइप से तो नहीं है, या फिर बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बचाने के चक्कर में इनको ऐसी जगह रख देते हैं कि इनको बिल्कुल पानी ही बारिश का नहीं मिलता, या फिर हम लोग पानी भी नहीं देते तो उससे भी प्लांट ख़राब हो जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब भी धूप निकले तो दोस्तों थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर दें पौधे की, क्योंकि फंगस ना लगे। बारिश का टाइम है तो फंगस लगने के चांसेस हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप फंजीसाइड पाउडर या फिर हल्दी पाउडर मिट्टी में डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप सनसॉइल डाल दे सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा एक स्रोत होता है पौधों की अच्छी ग्रोथ या पत्तियों की चमक या कलर लाने के लिए। तो आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं हमारे कोलियस के प्लांट को। ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार अगर छिड़काव कर दें या मिट्टी में डाल के दे देंगे, तब भी आपका प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। और इनको ग्रो करने की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, जैसे कि ये वाली है। अगर इनकी हम छोटी सी कटिंग इस तरीके से यहाँ से ले लें आराम से, तो हम इन्हें किसी भी सॉइल में भी लगा देंगे। वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए अभी क्या कहते हैं, हमें सैंड सॉइल की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए इस तरीके से हम अगर मिट्टी में लगा देते हैं ना तो ये आराम से लग जाती है। और ज़्यादा नहीं, बस इनको तो अभी बारिश हो रही कंटिन्यू, तो दोस्तों 4-5 दिन में इनकी कटिंग आराम से लग जाती है। देखिए इस तरह की कटिंग मैंने ली हुई है, बस मिट्टी में आराम से इनको दबा दीजिए, आपकी कटिंग 100% लग जाएगी। तो ये सारे कोलियस की कटिंग इस तरीके से ही लगती है दोस्तों, ज़्यादा स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक वैरायटी, ये वाली इनकी कलर देख सकते हैं,
ब्राउन डार्क है और डार्क ब्राउन ग्रीन है, इधर लाइट ग्रीन, थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर भी ऐड है। एक ये वाला है देख सकते हैं, जो कि ये अक्सर सबके पास देखने को मिल ही जाता है। ये वाला प्लांट बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने तीनों कलर एक ही पॉट में लगाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों हमें कटिंग सेव करनी पड़ जाती है बारिश की वजह से या फिर फंगस गर्मी की वजह से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा धूप भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बात करते हैं दोस्तों धूप की, हमें धूप से पौधों को कैसे बचाना है या किस तरीके से दिखाना है। अगर हमें फूलों के प्लांट में अच्छे से कलर लेना है या फिर हेल्दी रखना है, तो धूप भी दोस्तों ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे की जो सुबह वाली धूप होती है ना, वही काफ़ी है इनके लिए। तो हमें लगभग 2 या 3 घंटे की जो पार्शियल धूप होती है ना, वो इनके लिए बेस्ट रहती है। तो कोशिश करें इनको दोस्तों धूप अच्छे से दिखाने की। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सब चीज़ें हैं। फंगस लग रहे हैं तो हल्दी पाउडर या फंजीसाइड पाउडर से छिड़काव करें। फर्टिलाइज़र अवॉइड करें, एप्सम सॉल्ट इनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है, पत्तियों की जो कलर होते हैं, ये सारे अच्छे से इनको मिल जाते हैं एप्सम सॉल्ट से। बाकी आप वर्मी कंपोस्ट हर महीने में या 15 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच देते रहें, आपका अच्छे से प्लांट चलता रहेगा। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कोलेस प्लांट के ऊपर, कि बारिश के सीज़न में इनकी देखभाल हम कैसे करें। आप लोग भी इन सब बातों को अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे से चलेगा। पानी अगर गमले में भर जा रहा है तो पानी को भी गमले को टेढ़ा करके पानी निकाल दें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं। पानी अगर भरा रहेगा तो प्लांट ख़राब होते रहेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं। दोस्तों ये थी वीडियो आज की हमारी, अगर आप सभी को ज़रा से भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।